तो कैसे हो बच्चों? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं चंदन सर और ये आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल यू चंदन फिजिक्स सेंटर। बच्चों, आज के इस काइनेमैटिक्स के लेक्चर में, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था, उसमें आज हम लोग बात करेंगे काइनेमैटिक्स पे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों का जो लेक्चर था वो बेसिकली एकदम बेसिक था, जिससे आप पहले ये समझ सकें कि इस टॉपिक में क्या क्या डील करने वाले हैं। तो हमने पहले आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बातें करी जाए, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा, जो बताएगा वो ऑब्जर्वर बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि यहीं से मैकेनिक्स की नींव पड़ती है। तो मैकेनिक्स किसे कहते हैं तो वो जाना, मैकेनिक्स के कितने ब्रांचेज होते हैं तो मैकेनिक्स के तीन ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, जिसमें एक है काइनेमैटिक्स, दूसरा स्टैटिक्स और एक और है डायनेमिक्स। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने बहुत डेप्थ में जाना था। नहीं, फिर उसके बाद हम लोगों का आया कि रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं। ये सारी बातें जान करके हम लोगों ने टाइप ऑफ मोशन पढ़ा, टाइप ऑफ मोशन का बेसिक पढ़ा सिर्फ, यानी कौन कौन से मोशन यहाँ पे आ सकते हैं। तो पहला ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा, ठीक है, रोटेशनल मोशन, और थर्ड वन जो हम लोगों का था वो था ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये तीन मोशन हम लोगों के पास आया, ठीक है। और इन तीनों मोशन के केस में अगर हम लोग बात करें ना, तो तीनों मोशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रोटेशनल को भी देखा था, सर्कुलर को भी देखा था, डिफरेंट डिफरेंट रूप में हम लोगों ने बहुत सारे मोशन को देखा। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं काइनेमैटिक्स टॉपिक पे। ठीक है, क्या होता है ये काइनेमैटिक्स? तो आपको मैंने एग्जाम्पल में बता रखा है कि काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमैटिक्स जो है वो मैकेनिक्स का ब्रांच है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, तो स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन पे चर्चा करते हैं विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज, बिना इसके कॉज के जाने हुए। तो आप हेडिंग लगाइए और लिखिए काइनेमैटिक्स। तो यहां मैं स्टार दे रहा हूं और मैं टॉपिक का नेम लिख रहा हूं, काइनेमैटिक्स। ठीक है, इस काइनेमैटिक्स के अकॉर्डिंग पहले मैं यहां पर इसका डेफिनेशन भी लिखूंगा। तो क्या कहता है कि काइनेमैटिक्स काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्सेस विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स, जिसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, काइनेमैटिक्स कहेंगे। यानी कहता है कि काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमैटिक्स जो है वो मैकेनिक्स का ब्रांच है। वो किसका ब्रांच है बच्चों? मैकेनिक्स का ब्रांच है। इन विच, ठीक है, वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, अबाउट के बारे में, किसके बारे में? तो कहता है लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, और फोर्सेस। लेकिन इस काइनेमैटिक्स टॉपिक में हम लोग फोर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर फोर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी तो बस फॉर्मूला से काम चलाएंगे, अदरवाइज इसमें फोर्स नहीं आना है। लेकिन फिर कहता है कि विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज, बिना इसके कारण जाने बगैर, इसमें कारण इसका जानना ही नहीं है कि क्यों हुआ, मोशन नहीं हुआ, कुछ नहीं जानना इसमें, बस मोशन पढ़ना है। कॉज जानेंगे किसमें? अगर यही कॉज अगर जान लेंगे तो वो हो जाएगा डायनेमिक्स। कहता है कि इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स, यानी आप जो लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाई करोगे तो क्या क्या पढ़ाई करोगे वो जरा समझो। मान लो कि तुम अभी रेस्ट में हो,
ठीक है, जैसे मान लो यहां पे तुम हो, यहां पे तुम हो, और तुम अभी जिस कंडीशन में हो, ये कंडीशन तुम्हारा रेस्ट है, और तुम जैसे भी हो, बैठे हो, सोए हो, खड़े हो, जैसे भी हो, ये तुम्हारी अपनी पोजीशन कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी बच्चों? पोजीशन कहलाएंगी। ठीक है, अगर मान लो कि तुम अगर चल दिए, ठीक है, अगर मान लो कि तुम अगर स्ट्रेट लाइन पर चल दिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, स्ट्रेट लाइन पर चल दिए, तो पोजीशन का चेंज हमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्या दे देगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। और अगर तुम चले लेकिन तुम टेढ़ा मेढ़ा चले, नहीं एकदम मस्ती मस्त मौला चाल में, जिसको लहरिया कट कहते हैं ना, ये ऐसे ऐसे ये वाला लहरिया कट में अगर चले, तो इसका मतलब, इसको हम लोग कहेंगे कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। यदि डिस्प्लेसमेंट को चेंज करिएगा तो ये आपको दे देगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अगर चेंज करिएगा तो ये आपको दे देगा एसिलरेशन। क्या दे देगा बच्चों? एसिलरेशन। और अगर डिस्टेंस को अगर चेंज करिएगा तो ये आपको स्पीड दे देगा। ठीक है, लेकिन कैसे देगा? इन्हीं सब सारी चीजों की चर्चा करनी है इस काइनेमैटिक्स में। सिंपल सा एक एग्जांपल समझो। मान लो तुम खड़े थे, ठीक है, तुम जैसे ही खड़े थे, तुमने क्या किया? डांस करना शुरू किया। ठीक है, ठीक है, चाहे वो कोई भी रहे, मान लो कि तुमने डांस करना शुरू किया। आजकल का ट्रेंडिंग गाना है ना, पतली कमरिया वाला पे, उस पे तूने डांस करना शुरू किया। बगल में कुत्ता था जो तुम्हें देख करके भौंका। ठीक, जैसे ही उस कुत्ते ने तुम पे भौंका काटने के लिए, तो तुम वहीं रहोगे? नहीं, तुम भागना शुरू कर दोगे। तो अब जो तुम जिस पोजीशन में डांस कर रहे थे, अब वो डांस कंप्लीट नहीं होगा, तुम भागने लगोगे। किधर भागोगे? तो अगर तुम्हारी जो पोजीशन डांस करने की थी, जैसे ही तुमने उस गाने पे डांस किया, पतली कमरिया पे, उस कुत्ता को लगा के, नहीं तुम्हारा कमर पतला नहीं है, मोटा है, वो भौंक दिया। जैसे ही भौंका तो तुम भागा, तुम जैसे ही भागे डांस छोड़कर, तो तुम्हारी पोजीशन चेंज हुई। अगर तुम स्ट्रेट लाइन पर भागे, एकदम स्ट्रेट लाइन पर भागे, तो पोजीशन का चेंज, जितनी बार भागोगे, एक बार में स्टेप, दूसरे बार में स्टेप, जितनी बार भागोगे, तो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का चेंज क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। अब लगातार डिस्प्लेसमेंट का चेंज करोगे तो वो दे देगा वेलोसिटी, लेकिन ये सारी केस स्ट्रेट लाइन पे। डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या देगा? वेलोसिटी। अब खूब दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, और वेलोसिटी को बढ़ा दिए, तो वो दे देगा एक्सीलरेशन। ठीक है, और अगर तुम पोजीशन को, और दूसरी एक और कंडीशन है कि जैसे ही वह कुत्ता भौंका, तो तुम सीधा नहीं भागा, टीर टार भाग रहे हो, ऐसे ऐसे भाग रहे हो, तो वो पोजीशन अब चेंज हो जाएगा किसमें? या तो डिस्टेंस में, और नहीं तो डिस्टेंस कवर्ड में। नहीं, और जैसे ही डिस्टेंस को तुम चेंज करोगे, डिस्टेंस, अब जैसे डिस्टेंस, मतलब मान लो एक बार ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब इसी को जल्दी जल्दी बढ़ाओगे, ऐसे ऐसे बढ़ाने लगोगे, तो वही डिस्टेंस स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे यार? तो सभी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करो। मान लो कि तुम जैसे ही पोजीशन को चेंज किया, मान लो कि हम यहां पे आए, ऐसे आए, पोजीशन मेरा चेंज हो रहा है, एक एक स्टेप पे ध्यान देना। जैसे मान लो कि मैं यहां हूं, अभी मेरा पोजीशन यहां है, मैं यहां आ गया, पोजीशन मेरा चेंज हुआ, ठीक है, वहां से अब मैं यहां आ गया, ये मेरी पोजीशन चेंज हुई। लगातार अगर मेरी पोजीशन को चेंज करोगे तो हम डिस्प्लेसमेंट में आ गए। पोजीशन का चेंज किए तो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगर कर दोगे, DISPL, आप ये हो गया डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दोगे तो वेलोसिटी मिल जाता है। और अगर तुम वेलोसिटी बाय टाइम कर दोगे, ये कैसे आया इसकी भी चर्चा करेंगे, अगर तुम वेलोसिटी बाय टाइम कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। डिस्टेंस कवर्ड, तो अगर तुम डिस्टेंस बाय टाइम कर दोगे तो स्पीड मिल जाएगा। देखो
एक कुत्ता के भौंकने से तुम्हारे मोशन में जो चेंजिंग आया उसके कारण से कितना चीज मिला, पोजीशन से ही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, तुमने डांस किया, किस गाने पे किया, पतली कमरिया पे, तुम्हारा कमरिया तो मोटा था, डांस हुआ नहीं, कुत्ता भौंका, तुम भागे, जिस कंडीशन में डांस किए वो पोजीशन था नहीं, पोजीशन का चेंज किए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का चेंज किए वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज किए एक्सीलरेशन नहीं। लेकिन ये सारी कहानी स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन यदि जब तुम भागे और भागने के समय अगर तुम कर्व्ड लाइन का फॉलो करते तो पोजीशन का चेंज डिस्टेंस के रूप में होता और पुनः डिस्टेंस को चेंज करते तो स्पीड मिलता। लेकिन सवाल यहां एक खड़ा होता है कि कैसे सर, आपने तो इतना बड़ा आसानी से कह दिया, लेकिन ये कैसे? तो इसी के तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं और इसी को बड़े अच्छा से तोड़ेंगे आज, ठीक। हाँ, एक ही लेक्चर में नहीं होगा, आज के लेक्चर में तो मुझे लगता है कि पोजीशन और डिस्टेंस पे ही चर्चा होंगी, फिर अगले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट पे चलेगा, नहीं स्पीड पे चलेगा, उसका अगला डिस्प्लेसमेंट को होगा, फिर वेलोसिटी का, फिर एक्सीलरेशन का, ठीक है। इसमें भी लगभग 10 लेक्चर आएंगे, तो पहले आप इसको कंप्लीट करिए, कुत्ता भौंका कैसे कैसे आप दौड़े उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यही केसेस गाड़ी पे लागू होती हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी जिस कंडीशन में है, मान लो तुमको बाइक चलाना है, बाइक जिस कंडीशन में लगी हुई है, तुम बाइक पर बैठ गए, वो तुम्हारी पोजिशन है। अब बाइक को चलाओ, बाइक चलाने की दो केसेस हैं, ठीक है, एक लहरिया कट के रूप में और एक नॉन लहरिया कट के रूप में। अब जरा समझो, जरा ये मेरी भाषा है समझाने के लिए, लहरिया कट और नॉन लहरिया कट का यूज करना, अब ये तुम लिख लिख मत लेना, ठीक है। अब जरा समझो, तो इस लहरिया कट का मतलब क्या कि टेर टार चले, ऐसे उचक्का टाइप, ठीक। लेकिन नॉन लहरिया कट का मतलब क्या, एकदम सीधा चले, बुढ़ाऊ टाइप। नहीं देखते हो कि बुढ़ाऊ टाइप बाइक पे, अगर बुढ़ाऊ सब एक बार हैंडल पकड़ ले तो ऐसे ही चलते रहता है चाहे जो भी हो जाए, नहीं, उसको ना दाएं काटना है ना बाएं काटना है, सीधा चलते रहता है, तो वो हो गया उसका नॉन लहरिया कट। अब जरा समझो, तो पोजीशन की चेंजिंग अगर स्ट्रेट लाइन पर हो तो वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब मान लो कि तुम धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया, अब डिस्प्लेसमेंट चेंज करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा और वेलोसिटी चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन यही पोजीशन अगर कर्व लाइन पे चेंज होगा तो डिस्टेंस है, ठीक। अब तो मान लो तुम गाड़ी को ऐसे से चला रहे हो, लड़िया कट टाइप चला रहे हो, उचक्का टाइप चला रहे हो, बेहुदा टाइप इधर इधर चला रहे हो, तो इस समय पोजीशन अगर चेंज होगा तो वो डिस्टेंस देगा, और अगर लगातार डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो वो स्पीड देगा। कैसे, आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग एक एक करके बात करेंगे। वीडियो को आप पॉज करिए, पूरा को लिखिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आई होप बच्चों कि आपने इसे लिख लिया है, मैं अभी इसे इरेज करता हूं और चलता हूं इसके पैरामीटर्स पे। तो आ जाइए, इसके पैरामीटर्स पे हम लोग बात करते हैं। मैं अब इसको इरेज करता हूं। अब इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है पैरामीटर्स ऑफ काइनेमैटिक्स, यानी पैरामीटर्स का मतलब आप उसका टाइप ही समझे। चलिए हेडिंग लगाइए और लिखिए पैरामीटर्स ऑफ काइनेमैटिक्स, ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला जो हम लोगों का है वो है पोजिशन वेक्टर, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। मैं अभी थोड़ा सा हिंदी लिख दे रहा हूं, आप जेंटलमैन भी है फिर भी थोड़ा सा धैर्य रखें, इत्मीनान रखें, नींद नहीं ना आ रहा है, अरे सही से पढ़ो, उठ के ना तो मारेंगे फोन में घुस के मुंह पे। देख इधर, सेकेंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड। इसको हम लोग डिस्टेंस को तो आप जानते हैं कि दूरी कहते हैं, और मीन्स या
और डिस्टेंस कवर्ड को हम लोग कहते हैं तय की गई दूरी। थर्ड वन जो हम लोगों का है वो आ जाएगा बच्चों स्पीड। क्या आ जाएगा? और इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं चाल। ठीक है, वो गांव में नहीं कहते इसका चाल चलन खराब है, वो वाला चाल नहीं रे, वो चाल अलग होता है, ये चाल यहां पर जो है स्पीड वाला है। अब जरा समझिए, फोर्थ नंबर हम लोग स्पीड के बाद फोर्थ नंबर जानेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट? तो आप तो कहोगे सर इसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। हाँ, विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को हम लोग वेग कहते हैं। सिक्स नंबर मेरे पास है वो है एसिलरेशन, और इस एसिलरेशन को हम लोग त्वरण कहते हैं। ये काइनेमैटिक्स के छह पैरामीटर्स है, और इन्हीं पैरामीटर से स्टार्ट होता है फिजिक्स के मैकेनिक्स का खेल, और ये बड़ा ही अच्छा खेल खेलता है मैकेनिक्स, और यहीं से मैकेनिक्स अपना नींव स्टार्ट करता है, नींव देना स्टार्ट करता है। तो ये इसके काइनेमैटिक्स के ये पैरामीटर्स हैं, जिसमें पहला आ गया पोजिशन वेक्टर, दूसरा आ गया डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड, तीसरा थर्ड वन जो है वो है हम लोगों का स्पीड, फोर्थ जो हम लोगों का है वो है डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग विस्थापन कहते हैं, फिफ्थ जो हम लोगों का है वो है वेलोसिटी, और सिक्स्थ जो हम लोगों का है वो है एसिलेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये अभी तक समझ में आया होगा। इसको नोट करिए और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉजिशन वेक्टर। जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। जल्दी चलिए, जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप इसको लिखिए ताकि मैं इसके आगे बढ़ सकूं। जल्दी से इसको लिखिए। तो आई होप बच्चों कि आप इसे लिख लिए होंगे, मैं अब इसे इरेज करता हूं। मैं इसे इरेज करता हूं और आपको मैं इसके आगे का टॉपिक बताता हूं। अब इसके बाद आप हेडिंग लगाओगे, ठीक है? क्या? तो वो फर्स्ट वन जो हम लोगों का है वो है पोजिशन वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट वन जो हम लोगों का है वो है पोजिशन वेक्टर। क्या होता है पोजिशन वेक्टर? जरा समझो, कहता है कि इट इज द इंफॉर्मेशन, इट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गिवेन फ्रेम ऑफ रिफरेंस कॉमा इज कॉल्ड पॉजिशन पॉजिशन वेक्टर। बच्चों पॉजिशन वेक्टर को हम लोग या तो आर वेक्टर से डिनोट करते हैं या फिर एक्स वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो पहले यह समझिए कि पोजिशन वेक्टर किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि इट इज द इंफॉर्मेशन, यानी यह क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है अबाउट के बारे में, किस चीज के बारे में? तो कंप्लीट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट लोकेशन, मतलब उसके वास्तविक जगह की पूर्णतः जानकारी है। विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? तो
तो कहता है गिवेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिए गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। फिर कहता है इज कॉल्ड, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? पोजिशन वेक्टर। आपको लगेगा सर ये क्या क्या आप बोल रहे हैं, जरा सुनो, तुम लोग जो सेलफोन चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, ठीक है, तो तुम्हारे मोबाइल में लोकेशन होता है। जब तुम्हें कोई ढूंढ, जब किसी को आप बुलाते हो तो आप क्या कहते हो कि मैं व्हाट्सएप पे आपको लोकेशन सेंड कर दे रहा हूँ, आप वो लोकेशन देखते हुए मेरे पास आ जाओ। तो वो लोकेशन जो आप भेजते हो, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट हो और कोई ऑब्जर्वर आपको ढूंढते हुए आपके पास आ रहा है, मतलब आपकी पोजिशन के लिए वो आपको ढूंढना चाहता, आपके पास आना चाहता, मतलब एक पोजिशन वेक्टर बन गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का वहाँ रिलेशन आ गया। दूसरा चीज, एक और एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि आपके पापा ने छोटे भाई के लिए एक बुक लेकर के आया या एक कॉपी लेकर के आई और उन्होंने आपको दे दिया कि बउआ इसे रख दो, और आपने उसे क्या किया, किसी ड्रॉल में डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग अपने रूम में डाल दिया। फिर आप कोचिंग चले आए और वो कॉपी अब उस छोटे भाई को देने के लिए पापा ने मांगा, आप थे नहीं घर पे, ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉल करा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो कॉपी आपने कहाँ रखा, तो आप बताओगे कि मेरे रूम में जाओ, ठीक है, और वहाँ पे एक ड्रॉल होगा, उस ड्रॉल में रखा हुआ होगा, जहाँ भी आपने रखा है तो आप उसकी जानकारी दोगे, यानी वो जो कॉपी जहाँ पे आप रखे हैं उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन, जहाँ आपने रखा वो लोकेशन दोगे, तो वहाँ पर अगर घर का कोई मेम्बर जाएगा, कोई भी जाएगा जिसे आपने बताया है, तो वो कॉपी मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आपने उस कॉपी की एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया, और किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन बता देना ये उसका पोजीशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? पोजीशन कहलाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूं और फिर इसके एग्जाम्पल्स पे आता हूं, तो आप मेरे साथ हेडिंग लगाइए और लिखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर वन। पोजीशन एक कैसी क्वांटिटी है? तो कहता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बता रहा है, एक राइट डायरेक्शन बता रहा है, इसीलिए यह वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड नंबर, पोजिशन वेक्टर को, पोजिशन वेक्टर एक तरीके से क्या बता रहा है? तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का एक तरीके से डिस्टेंस भी बयां कर रहा है, तो इसीलिए हम पोजिशन वेक्टर को लेंथ के रूप में कंसिडर करते हैं, और लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, इसीलिए पोजिशन वेक्टर का भी ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं कि एस आई यूनिट ऑफ पोजिशन वेक्टर इज मीटर। थर्ड वन मैं यहां पे लिख लेता हूं, डायमेंशन ऑफ पोजिशन वेक्टर इज लेंथ का डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में एल हो जाता है। अब पोजिशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो अब आपको लगेगा सर कैसे पॉजिटिव हो सकता है? भाई तुम ओरिजिन से अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर अगर भागो तो वो उसका पोजिशन वेक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव की ओर भागो तो उसकी पोजिशन वेक्टर नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक, अगर तुम भागो ही नहीं जीरो रहेगा। हाँ नहीं, तो अब आ जाओ, तो हम लिख सकते हैं कि इट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो। एक और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगी कि इट इज डिनोटेड बाय, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फिफ्थ नंबर, कि इट इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर और एक्स वेक्टर। या तो हम इसे पोजिशन वेक्टर को या तो मैं आर वेक्टर से डिनोट करूंगा या फिर एक्स वेक्टर से डिनोट करूंगा, ठीक है, तो आप जल्दी से पहले इस पोजिशन वेक्टर को आप नोट करो, फिर मैं
इसके आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से आप इसे पहले नोट करिए, मैं इसका फिर जस्ट अभी मैं इसका एग्जांपल्स करूँगा और मैं आपको एग्जांपल्स में ये क्लियर कर दूंगा कि पोजिशन वैक्टर को हम लोग रिलेट कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका रिलेशन, बिना इसका रिलेशन रिलेट किए हुए कुछ हम लोग आगे जान नहीं सकते बच्चों, इसलिए रिलेशन इसके इंपॉर्टेंट है। जल्दी से लिखिए। आई होप बच्चों कि आपने इसे लिख लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करता हूं और मैं अब आपको थोड़ा सा एग्जांपल में एग्जांपल बता करके मैं पोजिशन वेक्टर का जितना भी कंफ्यूजन है मैं उसे पहले दूर करता हूं। आप कैसे रिलेट करोगे, कैसे डिनोट करोगे, कैसे रिलेशन दिखाओगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो जरा ये देखिए, अब मान लीजिए, मान लो कि इस जगह पे, ठीक है, यहां पे मान लो हम इस प्रकार से ये एस एस लिख रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए और इसको ऐसे मिला दिए, फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे और यहां से इसको ऐसे और ये ऐसे ऐसे बना दिए। ये देखो, ये एक कुत्ता बन गया, इसको ऐसे मिला दो, बन गया ना। और यहां पे एक आदमी, ठीक है, इस आदमी का नाम है ए और इस कुत्ते का नाम है बी, ठीक। इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रख देते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो ये जो ए है ना, ये यहां पे क्या कर रहा था, डांस कर रहा था, ठीक है। तो यहां जो ये डांस कर रहा था तो हम क्या कर रहे हैं, ये ऑरिजिन है, इसको क्या मान लिए हम, ऑरिजिन मान लिए, ठीक है। और ये जो व्यक्ति यहां जो है ये डांस कर रहा था, ठीक है, तो ये डांस करते समय इसकी पोजीशन क्या होंगी। तो ये ऐसे यहां पे, मान लो यहां पे ये डांस कर रहा था, तो पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करेंगे आर वेक्टर से। डांस कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है, तो आर ए वेक्टर, ठीक है। और इसके डांस को देख कौन रहा है, यहां जो ये ए है, ये रामलाल है और ये डांस कर रहा था, नहीं, पतली कमर यहां पे। अब जरा देख, तो इसको देख कौन रहा था, ये कुत्ता देख रहा था, बड़ा ध्यान से देख रहा था कुत्ते की पोजीशन। मान लो यहां पे ये कुत्ता का हम पॉइंट मान लेते हैं, कुत्ता यहां पे है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया आर वेक्टर। पोजीशन को हम डिनोट किए आर वेक्टर से और बी इसलिए डिनोट किए क्योंकि यहां पे ये कुत्ता है, इसलिए बी डिनोट किए। कुछ भी हो सकता है, कुत्ता, बैल, हाथी, आदमी, गधा, घोड़ा, घर, पेड़, हेलीकॉप्टर, कुछ भी हो सकता है, किसी को फिजिक्स ऑब्जेक्ट मान सकता है, ठीक। तो अब समझो, तो ये डांस कर रहा था और इसके डांस को देख कौन रहा था, तो ये कुत्ता देख रहा था। तो अब यहां पे किसी एक आदमी ने कहा कि दोनों के बीच का पोजीशन बताओ कितनी से चेंज हुई। तो अब यहां पे डिपेंड ये करता, मान लो जैसे ही इसका डांस इस कुत्ते को पसंद में नहीं आया, ये भौंका, ये भाग गया, ठीक। तो जैसे ही ये भागा तो ये आगे आगे भागेगा और ये पीछे पीछे ये कुत्ता इसको खदेड़ेगा, नहीं। तो जो आगे आगे है, जो आगे आगे रहेगा ऑब्जेक्ट, जो आगे रहेगा वो ऑब्जेक्ट, जो पीछे से खदेड़ेगा ऑब्जर्वर, ध्यान देना। तो वैसे ही मान लो ये आगे आगे इधर की ओर, अगर मान लो कि जब ये रामलाल आगे भाग रहा था और पीछे से कुत्ता खदेड़ रहा था, उस समय जो आगे भाग रहा है उसकी ओर ये तीर का चिन्ह लगाओ, जो भाग रहा है, जो आगे चल रहा है उसकी ओर तीर का चिन्ह लगाओ और जो पीछे से है उसकी ओर टेल रखो। तो इस वेक्टर का यही हाल है। तो इसका मतलब देखो, हेड और टेल, किसी वेक्टर का हेड जो होता है वो कौन होता है, तीर का नोक वाला, और टेल उसका पीछे जहां पे नोक नहीं होता है।
तो इस वाले वेक्टर का टेल यहां है और हेड यहां है, और कभी भी चेंज जब लिखते हैं ना तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, और फाइनल उसको मानते हैं जो हेड पर होता है। तो इस वाले वेक्टर का हेड कहां है, ये वाला है, और हेड पर ये ए वेक्टर, और इसका पोजिशन क्या है तो आर ए वेक्टर है। तो इधर की ओर जब जाएगा तो आर ए वेक्टर अब माइनस इस आर ए वेक्टर में से घटाओ, किसको घटाओ तो कौन खदेड़ रहा है, ये कुत्ता खदेड़ रहा है, तो आर बी वेक्टर। तो ये हो गया पोजिशन वेक्टर का चेंज, क्या हो गया पोजिशन वेक्टर का चेंज। और किसी क्वांटिटी का चेंज उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का चेंज कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। ये ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल बड़ा शेप में होता है, छोटे शेप का ये जो ट्रायंगल है इसे डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, डेल्टा। तो यहां पे डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। तो आपको लगेगा सर क्या हमेशा यही कंडीशन संभव है कि आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर होगा, अरे ना रे ये उल्टा भी हो सकता है। तो कहोगे कैसे सर, तो अगर मान लो कि जब ये डांस कर रहा था, इस कुत्ते को डांस पसंद में नहीं आया, ये भौंका, ये भागने लगा, तो आगे अभी कौन है, ये ए है, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पीछे से कुत्ता खदेड़ रहा ये ऑब्जर्वर बन जाएगा इस कंडीशन में। तो हमेशा ऑब्जेक्ट वाले में से ऑब्जर्वर को घटाते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर ऑब्जेक्ट माइनस आर वेक्टर ऑब्जर्वर, इसको जब घटाइएगा तो ये चेंज इन पोजिशन वेक्टर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चों, चेंज इन पोजिशन वेक्टर। मैं आपको एक फॉर्मूला ही बता दिया, एक तरीके से ये फॉर्मूला ही रहा जो हमेशा आपको सटीकली काम देगा, इसलिए मैंने लिख दिया। ऑब्जेक्ट के पोजिशन में से ऑब्जर्वर का पोजिशन घटाओगे तो पोजिशन वेक्टर का चेंज निकल के आएगा। अब मान लो ये आदमी भाग रहा था और रास्ते में जैसे आगे गया तो एक रड मिल गया इसको मोटा सा। अब वो रड लेके खड़ा हो गया, कुत्ता हो का आवाओ तो हम मारेंगे उसको। तो अब ये वापस उल्टा घूम के लगा कुत्ता हो खदेड़ने, अब कुत्ता भागने लगा। तो जब ये कुत्ता भागेगा तो इस कंडीशन में ये एरो का साइन बदल के अब ये कुत्ता की ओर हो जाएगा। अब आगे आगे कुत्ता भाग रहा है, पीछे पीछे ये ए भाग रहा है। तो इस कंडीशन में चेंजिंग क्या होगी, तो इस कंडीशन में अब किसकी ओर भाग रहा है तीर का चिन्ह, तो बी की ओर, कुत्ता की ओर भाग रहा है। तो आर बी वेक्टर माइनस कहां से भाग रहा है, तो ए साइड से, तब ए ऑब्जर्व करेगा आर ए वेक्टर। तो ये भी हो सकता है यहां पे डेल्टा आर का फॉर्मूला आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ आर ए माइनस आर बी ही होगा। फिजिक्स कंडीशन का खेल है, कंडीशन समझ में आया तो फिजिक्स तुम्हारा, कंडीशन समझ में नहीं आया तो फिर फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगा। खेल कंडीशन की है, ठीक है। एक गाना सुने होगे, आगे आगे चाहत चले पीछे पीछे दिल चल पड़ा, चाहत को आगे चलने दो पीछे पीछे दिल को आने दो, लेकिन ये बेवकूफ टाइप, दिल विल कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आगे आगे जो चले वो ऑब्जर्वर, पीछे पीछे जो चले वो ऑब्जेक्ट। यानी जरा यहां पर अब समझो, मान लो यहां पे मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, आप तो जानते हो कि इसको हम लोग कहते हैं हेड और इसको कहते हैं हम लोग टेल, और पोजिशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर से, ठीक है। तो जरा एक चीज ध्यान देना तुम, इस पोजिशन वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, आर वेक्टर का मतलब पोजिशन, और पहले हमेशा आर वेक्टर के यहां पर हेड लिखाएगा और तब यहां पर टेल लिखाएगा। यानी आप इसी को आर वेक्टर का मतलब आप यहां पर यह कहो कि पोजिशन वेक्टर ऑफ किसका पोजिशन, तो हेड का पोजिशन हमेशा आगे वाला का। तो आगे वाला कौन है, हेड है, आगे आगे चाहत चले पीछे पीछे ये इस हेड का दिल है, ये भी पीछे पीछे चले। तो ये हेड, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ हेड With respect to, ठीक है, पोजिशन वेक्टर ऑफ हेड विथ रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में पोजिशन बता रहे हैं, तो टेल के रिस्पेक्ट में, तो यहां लिख दो टेल, टेल नहीं रे टेल टेल। अब समझो इसी को हम लोग हेड नहीं कहते रे,
हेड को हम लोग यहां पे हमेशा हेड पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, हेड पे किसको रखते हैं ऑब्जेक्ट को, और टेल पे हम लोग रखते हैं ऑब्जर्वर को, किसे रखते हैं बोलो जरा ऑब्जर्वर को। तो यही चीज अब तुम यहां पर ऐसे लिख दो, आर वेक्टर ऑब्जेक्ट कॉमा ऑब्जर्वर। देखो बच्चों कभी भी भूल से भी ऐसे नहीं लिखना कि आर वेक्टर ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखेगा मारेंगे मुंह फोड़ देंगे ऐसे, ठीक है? ये ऐसे लिखना ये गलत है, ऐसे लिखना आर वेक्टर और नीचे में एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट कॉमा ऑब्जर्वर, एकदम बिल्कुल हूबहू ऐसा लिखना, ठीक है? अब जरा समझो, तो आर वेक्टर ऑब्जेक्ट कॉमा ऑब्जर्वर, तो ये आर वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजिशन, किसका पोजिशन बताओगे? तो ऑब्जेक्ट का। अरे भाई आगे आगे कौन चलेगा? आगे आगे जो चलेगा वो ऑब्जेक्ट, तो आगे आगे ऑब्जेक्ट कौन है? हेड पे है ना? तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू यानी के सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में लिखते हैं डब्ल्यू डॉट, रिस्पेक्ट को आर डॉट और टी को टी मीन्स टू, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो यहां पे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे ही लिखा, मैं इसको हटा लेता हूं। तो जल्दी से आप पहले क्या करो, इसको आप लिखो, ठीक है? इसके आगे फिर हम लोग बात करते हैं, फिर मैं इस फिगर को अब मिटाऊंगा और फिर मैं आगे एग्जाम्पल स्वरूप आपको भी बहुत चीज बताने वाला हूं। तो जल्दी से आप इसको पहले वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। मैं इसे अब सिर्फ मैं इस सभी फिगर को इरेज करता हूं। तो चलिए अब आ जाइए जरा यहां पर, अब आप ध्यान दीजिए। तो मैं यहां पे अब ऐसे ही, अब हम हेड टेल और ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की बात नहीं करेंगे, हम यहां पे लिखे आर वेक्टर, यहां पे रख दिए ए और यहां पर बी। अब ध्यान रखना हम लोग लिखते क्या है, तो आर वेक्टर पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट फिर लिखते हैं ऑब्जर्वर। तो वैसे ही मैं आपको कहूं कि ऑब्जेक्ट का खेल यहां पे कौन खेल रहा है, ए खेल रहा है कि बी खेल रहा है, ऑब्जेक्ट कहां होता है? सर आगे होता है। किधर? सर आगे मतलब सर मतलब मैं आगे, ये सर ही वाला नहीं, सर आगे, ठीक है? वो नहीं रे, ये नहीं सोचना कि ये वाला सर के बारे में बोलना सर आगे कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो आगे यानी हेड पे कौन है? ए है, तो यहां पर ए, और ऑब्जर्वर पीछे तो यहां पर बी। तो इस आर वेक्टर ए बी को हम क्या कहेंगे? तो आर वेक्टर ए बी को क्या कहेंगे? तो आर वेक्टर को कहेंगे पोजिशन ऑफ, हेड का काम कर रहा है ए, तो पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? तो बी के रिस्पेक्ट में। आ गया जवाब। मान लो ये भी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। अब इधर ये है आर वेक्टर, इधर है डी, इधर है सी। तो अब आप इसको क्या कहोगे? आर वेक्टर आगे आगे कौन? तो डी, पीछे पीछे कौन? तो सी। आर वेक्टर डी सी, आर वेक्टर क्या है? तो पोजिशन है। किसका पोजिशन है? तो पोजिशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में है? तो सी के रिस्पेक्ट में है। तो यहां पे डी खेल खेल रहा है किसका? बोलो 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 जल्दी बोलो किसका? अरे बोलना। तो ऑब्जेक्ट का। किसका खेल खेल रहा है? ऑब्जेक्ट का। सी किसका खेल खेल रहा है? तो ऑब्जर्वर का। किसका खेल खेल रहा है बच्चों? ऑब्जर्वर का। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं इस वाले नीचे वाले एग्जाम्पल को भी मिटाता हूं। अब इसका भी कहानी खत्म है ना, लिख तो लिए थे आप, तो रख के क्या फायदा, पूजा थोड़े ही करनी है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए।
अब जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं वो कुछ ऐसा ले रहा हूं, आर वेक्टर, इधर है एम, इधर है पी, तो ये क्या हो जाएगा? तो आर वेक्टर, अब हेड किधर? इधर की इधर। हाँ, देखने से ही लग रहा है इधर है सर। तो पहले पी, पहले ए, उसके बाद एम, तो क्या हो जाएगा? पोजिशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? तो एम के रिस्पेक्ट में। यहां इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट कौन? तो पी है। ये पी क्या है? तो ऑब्जेक्ट का खेल खेल रहा है। यह एम क्या है? तो यह एम ऑब्जर्वर है। ये क्या है बच्चों? ऑब्जर्वर है। ये बातें आपको समझ में आई तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं। जल्दी इसको नोट डाउन करिए। आई होप बच्चों कि आपने इसे लिख लिया होगा। मैं अब इसे इरेज करता हूं। अब आपको ये पूर्ण रूपेण पूरा का पूरा समझ में आ गया है। अब जरा समझिए, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था थोड़ा ही देर पहले, उस एग्जाम्पल में ये लिया था, यहां पर एक बी मान लिया था, यहां पर ए मान लिया था, तो इसकी पोजीशन आर बी वेक्टर, इसकी पोजीशन आर ए वेक्टर। अगर इधर की ओर गए तो आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, और यदि इधर की ओर आए तो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, यानी डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, या डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। दोनों कंडीशन होने के लिए डिपेंड ये करता है कि कंडीशन क्या दे रखा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसको ऑब्जेक्ट मानने के लिए कह रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया कि जब कुत्ता इस ए को खदेड़ रहा था तो उस समय ए आगे आगे भाग रहा था, ऑब्जेक्ट था, और जैसे ही रड मिला उस ए को, जैसे ही कुत्ता को खदेड़ने लगा तो कुत्ता भागने लगा, तो कुत्ता ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जर्वर ये बन गया। तो वही कंडीशन पर डिपेंड करेगा पूरा चीज, ठीक है? तो अब जरा आ जाओ, तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि ये आर ए वेक्टर क्या होता है, तो इसको तुम डायरेक्ट कहोगे कि पोजीशन ऑफ ए। आर बी वेक्टर क्या होता है? तो आप कहोगे पोजीशन ऑफ बी। और आपसे कोई पूछ दे ये डेल्टा आर वेक्टर क्या होता है, तो अब आप कहोगे चेंज इन पोजिशन। क्या कहोगे बच्चों? चेंज इन पोजिशन। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, इसको भी लिखिए, तब चलते हैं हम लोग अगले नोट्स की ओर और आज का लेक्चर एंड करेंगे अब। तो बच्चों एक चीज समझिए, यहां है ओरिजिन, ठीक है? मैं इसको मिटाता हूं और एक नोट लिखता हूं, नीचे वाले लाइन को इसको मिटा करके एक नोट लिखता हूं। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है, नोट लिख रहा है यहां पर। तो इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो कहता है कि इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, या कैसे डिस्टेंस देता है? तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देता है, ठीक है? या क्या देता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देता है किसका? तो ऑब्जेक्ट के लिए।
विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन कहां मानोगे, यहां पर। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट अगर ये है तो ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये बता दिया, यहां ओरिजिन से लेकर के ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताया, मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बता दिया। और ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो बताया वो कहां से बताया, तो ओरिजिन से। और हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े भी है कि ऑल डिस्टेंसेज विच इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, सभी की सभी डिस्टेंसेज कहां से मेजर की जाती है, तो ओरिजिन से मेजर की जाती है, तो यहां पर से आ गया। ठीक, अब यहां पर एक तो ये आपके पास एक नोट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक इसको लगा लीजिए, नोट नंबर वन और नोट नंबर टू लिखिए। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है, यानी कहता है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यह डायरेक्शन क्या करता है, यह किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन देता है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, या फ्रॉम ओरिजिन। आप ये भी लिख सकते हो, यहां पर आप चाहें तो इसको आप फ्रॉम भी लिख सकते हो। तो यह कहां से बताएगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का डायरेक्शन, तो ओरिजिन से बताएगा। एक चीज और, इसका नोट नंबर थर्ड हम यहीं पर लिख देते हैं, यहां पर आप लिख लीजिएगा इसको नोट करने के बाद यहां पर। ठीक है, कि पोजिशन वेक्टर, मतलब नोट नंबर थर्ड, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट, इसे टाइम इंस्टेंट के लिए ही डिफाइंड किया जा सकता है। टाइम इंस्टेंट का मतलब होता है तात्क्षणिक समय, बहुत छोटा टाइम जो होता है ना उसे हम टाइम इंस्टेंट कहते हैं। जैसे 1 सेकेंड में किया गया कोई वर्क, 2 सेकेंड में किया गया कोई वर्क, 0.1 सेकेंड में किया गया कोई वर्क, ऐसे टाइम को हम लोग टाइम इंस्टेंट कहते हैं। तो पोजिशन वेक्टर हमेशा टाइम इंस्टेंट के लिए ही डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरा को लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे बात करता हूं। तो आई होप बच्चों कि आपको आज का लेक्चर बड़ा ही मजेदार इंजॉयफुल लगा होगा। ऐसे ही सभी वीडियो कंप्लीट करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और मिलेंगे अब अगले लेक्चर्स में, और उसमें जानेंगे हम लोग डिस्टेंस कवर्ड के बारे में, फिर डिस्टेंस, फिर उसके बाद स्पीड, फिर से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फिर ढेर सारा इसका जो डेरिवेशन आएगा वो करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर वेक्टर में बताया था। पूरा थ्योरी कंप्लीट किया, कुछ न्यूमेरिकल्स साथ में कराएं, बाद में चल के मैंने आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएं, जिससे आपके बहुत सारे ढेरों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जितना मैं न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूं, अगर आप उतना न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो गारंटी कि आपको जीमेन और नीट के न्यूमेरिकल बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये वादा है मेरा। तो अब आप वीडियो को देख के पूरा कंप्लीट करिए, और आप कमेंट करके बताइए, जरूर कमेंट करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, क्या क्या मैं आपको इसमें और जोड़ूं ताकि आपको अच्छा लगे। सजेशन जरूर करें, तभी तो मैं अच्छे से आपके लिए और वीडियो ला पाऊंगा। मैं इसमें किस लेवल का न्यूमेरिकल्स आपके लिए डालूं, कैसे कैसे लेवल मैं आपको दूं ताकि आप और अच्छा हो सके। वैसे मैंने बहुत सारा तो डाला ही है, ठीक। क्या आपको लाइव आने की आवश्यकता, क्या मुझे लाइव आने की आवश्यकता है, आप कमेंट करो, मैं लाइव आऊंगा। और वैसे एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसके लिए मैं बहुत जल्द लाइव आ रहा हूं, आप उस लाइव में जरूर जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए बाय।